चलो हिंट आ रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब जब आप किसी चीज को हीट देते हो ना उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हीट से रिलेटेड किसी मैटर में क्या क्या चेंज आते हैं उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो जो चीजें लिखाते जा रहा हूँ उसको लिखते रहना साथ, अच्छे अच्छे नोट्स बनिए, अच्छी अच्छी चीजें होंगी इजी चेक करो। ठीक है, बस हीट होता क्या है, हीट की डेफिनेशन हो क्या सकती है, बताओ हीट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो कम से एक ठीक है ना, तो इसमें बेसिक चीज बताते हैं, सबसे पहले वन कैलोरी, हीट की यूनिट क्या होती है कैलोरी। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज करें तो कुछ नहीं करता ना कैलोरी, इतना कैलोरी तो बराबर होता है 4.18 जूल के लगभग। ठीक है, या फिर किताबों में इसको 4.2 जूल भी लिखता है। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको बतानी चाहिए कि वन कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर 1 किलो कैलोरी होगा तो किलो कैलोरी, किलो मतलब कितना 1000, दैट मीन 1000 कैलोरी है ना, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, और एक कैलोरी में कितना है 4.18, तो लगभग लगभग अगर मैं बोलूं 4.186 होता है लगभग। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट करेंगे 1000 इनटू 1 कैलोरी में कितना 4.186, कितना आ जाएगा 4186 जूल, लगभग लगभग इतनी एनर्जी होती है 1 किलो कैलोरी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कभी भी चिप्स का पैकेट खरीदो उसके पीछे लिखा रहता है ना किलो कैलोरीज, कभी भी ये होता है इसमें लिखा है 543 किलो कैलोरी। अगली बार जब ये हो जाता है हीट पता लगती है हमें, अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बोलते हैं ना इस इंसान का टेम्परेचर ज्यादा है या आज टेम्परेचर ज्यादा है, समझ नहीं या आज टेम्परेचर कम, समझ नहीं। बेसिकली टेम्परेचर एक मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का, ठीक है, कि कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, अगर हॉट होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो देखो इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी। किसी बॉडी में हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजर होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर की यूनिट के बारे में बात करें, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, ये सबको पता है। ठीक है, और सबसे इजी चीज तरीके से बताते हैं, सबसे पहले आता है अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, किसमें कन्वर्ट करना है केल्विन। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि आपको फॉर्मूला होता है सिंपल, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करना पड़ता है ना केल्विन में, ऐसा अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करना। एग्जांपल समझाता हूं आपको, जैसे टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलना है, क्या करो केल्विन में निकाल लीजिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस 25, सही है, तो कितना आएगा 298 है। आ समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला केल्विन का टेम्परेचर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, पहला डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और केल्विन से डिग्री सेल्सियस तो माइनस 273। टेम्परेचर पर आपने अलग अलग स्केल होते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। वैसे एसआई यूनिट कौन सी होती है, एसआई यूनिट केल्विन होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है केल्विन। ठीक है, ये बढ़िया बात। अच्छा, एक और होती है फारेनहाइट, सुना है फारेनहाइट, तो फारेनहाइट का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 9/5 c + 32, फॉर्मूला 9/5 c + 32। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, और आपसे बोला फाइनाइट मतलब होता है एफ इज इक्वल टू 9 बाय 5, सी की जगह क्या रखोगे 20 प्लस 30, कितना आएगा सॉल्व करके 5 से क्या आएगा 5 4 से 9 4 जा 36, 36 प्लस 32 कितना होता है 68, 68 डिग्री फेरेनहाइट, समझ में आया? ऐसे पेपर वाला दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगली बात है जैसे टेम्परेचर नापने के लिए क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो थर्मामीटर में एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। और हाईएस्ट जो लोएस्ट एक होता है हाईएस्ट पॉइंट और एक होता है लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होता क्या है, जैसे आपने डिग्री सेल्सियस वाला देखा है तो उसमें सबसे नीचे क्या होता है 0 और सबसे ऊपर क्या होता है 100, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट होता है हमारे पास एक तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है फ्रीजिंग, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपसे पूछ सकता है सेशन रीजन या एमसीक्यू में कि हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो लिख लो लिखो इनर थर्मामीटर, इनर थर्मामीटर इनर थर्मामीटर देयर आर टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, देयर आर टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स, व्हिच आर फ्रीजिंग पॉइंट and boiling point of water, which are freezing point and boiling point of water. समझ में आ गया? अब देखो अगर सेल्सियस स्केल है, कौन सा स्केल है सेल्सियस, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसमें इसमें कितने इक्वल इक्वल डिविजन होंगे, इक्वल इक्वल पार्ट बनेंगे, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 100 पार्ट बने होंगे, तो इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, कितने डिविजन्स होते हैं इसमें, कोई परेशानी इसमें समझ में? अगर मैं इसी को फेरेनहाइट में चेंज करूं, किसमें चेंज करूं फेरेनहाइट में, अभी बताया था ना फॉर्मूला, तो पहले 0 को चेंज करते हैं, 0 को चेंज करने के फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 9 बाय 5, सी की जगह 0 प्लस 32, सही है। सॉल्व करके कितना आ गया यहां पे नीचे 32 डिग्री फारेनहाइट, और ऊपर वाला चेंज करते हैं एफ इज इक्वल टू 9 बाय 5, सी की जगह 100 प्लस 32, सही है। इससे गया 5 टू 10 0, एफ इज इक्वल टू 180 प्लस 32, कितना आएगा ये आएगा 212, सही है। ऊपर वाला आ गया 212, इसमें कितने डिविजन थे 100 डिविजन, क्योंकि इसमें 0 और 100 का गैप लिया था, इधर भी गैप निकालेंगे कितने डिविजन आएंगे इसमें, माइनस कर सकते हो 212 से 32 कितना आएगा, माइनस 2 में से 2 गए 0, 21 में से 3 को माइनस करो कितना होता है 21 माइनस 3 कितना होता है 18, तो 180 डिविजन होते हैं, कितने डिविजन होते हैं इसमें 180 डिविजन। तो पूछ सकता है कि किसमें कितने डिविजन होते हैं, कोई दिक्कत डिविजन निकालना सिंपल है, देखिए नोट कर लो डिविजन पूछता हूं मैं, प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है
कांस्टेंट होता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा था ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल होती है, जूल मोल इनवर्स केल्विन में, ठीक है। और डी होता है टेम्परेचर केल्विन में, कोई दिक्कत, ठीक है। डी लेते हैं टेम्परेचर केल्विन, तो ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो, आपको पता रहे आइडियल गैस इक्वेशन। ये किसके लिए चलती है, आइडियल गैसेस के लिए, जितनी आइडियल गैस होती है उनकी बताओ। कोई दिक्कत अब बात करते हैं जो काम होते हुए थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऐसा है कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तो भी वो एक्सपेंड करता है, लिक्विड को हीट करते हो वो भी एक्सपेंड करता है, और गैस को करते हो तो वो भी एक्सपेंड करती है। एग्जांपल के लिए सॉलिड का तो शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये पेन की रिफिल है, उसके नीचे आग लगाना है तो धीरे धीरे पिघलती है तो एक्सपेंड होती है, धीरे धीरे फैलती है ना, ठीक है, तो एक्सपेंशन वहां देखने को मिलता है। पर प्लास्टिक चलते हुए देखा तो वो भी फैलता है पहले, ठीक है। दूसरा लिक्विड, लिक्विड एक्सपेंड करता है, जब हम गैस में बॉइल करने के लिए रखोगे तो लिक्विड ऊपर आता रहा धीरे धीरे, तो वो भी एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सपेंड। तीसरा गैसेस भी एक्सपेंड करती है, ठीक है, गर्मियों में गैसेस दूर दूर होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठंडी और पास पास रहती है, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है, सारी चीजें एक्सपेंड करती है, ठीक है। हमें तीन तरीके से एक्सपेंशन पढ़ना है यहाँ पे, एक होगा लीनियर लेंथ इंक्रीज होगी, दूसरा होगा एरिया में सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जब एरिया एक्सपेंड करेगा, क्या एक्सपेंड करेगा एरिया, और तीसरा आएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो वॉल्यूम बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा वॉल्यूम। तो तीन एक्सपेंशन पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले लिखो हैंड डालो थर्मल एक्सपेंशन, हैंड डालो थर्मल एक्सपेंशन, इसके अंदर सारे पढ़ो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में लिखो द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ अ बॉडी, द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में क्या बोला कि जब भी किसी चीज को हीट देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती है, साइज इंक्रीज होता है उसका, ठीक है, तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। आगे लिखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तीन टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है, तीन टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है। लिखो लीनियर एक्सपेंशन, लिखो लीनियर चलिए पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो ध्यान से होता क्या है, कोई वायर है या रॉड है, ठीक है, एल कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो और इसका इनिशियल कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल टेम्परेचर क्या है टी आई, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए एल नॉट, ऊपर सारी कर लीजिए कैपिटल एल ले लो जैसे तुम्हारी इच्छा, और ओरिजिनल या इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है टेम्परेचर ले लीजिए वो है टी नॉट, कोई दिक्कत सिंपल। कुछ टाइम बाद जब हमने इसे हीट दी, क्या दी हीट, तो ये जो था ना ये वायर धीरे धीरे या रॉड धीरे धीरे क्या होगी एक्सपेंड होगी, हाँ या ना, इतनी थी ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, इसका साइज इंक्रीज हो गया, क्या हो गया साइज, ठीक है। तो फाइनल लेंथ जो हो गई इसकी, मान लो जो इंक्रीज हो डेल्टा एल है, कितना इंक्रीज हुआ डेल्टा, डेल्टा चेंज एक तरीके से,
ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल लेंथ आएगी, फाइनल लेंथ ये वाली तो एल थी, वाली कितनी थी एल, इंक्रीज कितना हुआ डेल्टा एल, फाइनल लेंथ कितनी आ गई पूरी एल प्लस डेल्टा एल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा ये बताओ, ये होगा तो तभी ना जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर कुछ और होना चाहिए। हाँ यार फाइनल टेम्परेचर मान लो ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतना सही है, ठीक है। तो इसी पे बेस पूरी कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ऐसा बोलता है वो कि जो चेंज हुआ लेंथ में, किसमें चेंज हुआ लेंथ जो चेंज आया लेंथ में, यानी डेल्टा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबसे पहले जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर पहले 10 था, बाद में 15 हुआ, ठीक है। एक बार टेम्परेचर 10 था, टेम्परेचर 50 पहुंच गया, तो ज्यादा चेंज किसमें आएगा? जब 50 गया हो, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो डेल्टा एल सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, डेल्टा की मतलब चेंज इन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया? डेल्टा टी का क्या मतलब है यहाँ पे बताया था, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो डेल्टा टी के डायरेक्ट पहला, दूसरा उसका कहना ये है कि डेल्टा एल जो होगा ना, जितनी ज्यादा लेंथ की चीज लोगे, मतलब जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा। अगर 10 मीटर का रॉड है तो वो भी चेंज होगा, और 50 का है वो भी चेंज होगा, लेकिन 50 वाला ज्यादा चेंज होगा, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। तो डेल्टा एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एल, कोई परेशानी? दोनों ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर, कितना समझ में आया? अब डेल्टा एल अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन करा जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एल डेल्टा डी के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है लीनियर में, उसको हम बोलते हैं, वो आपके पास कांस्टेंट पता क्या आता है, वो आता है अल्फा, ऐसा सिंबल बनता है, इसका नाम है, इसको हम नाम देंगे, देखना इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अल्फा बराबर क्या होना चाहिए बताओ, डेल्टा एल ऊपर, ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या बनना चाहिए, एल डेल्टा टी, कोई परेशानी? अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोई परेशानी? ये पूरी कहानी है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दोबारा देखो आराम से, हमने एक रॉड की जिसकी लेंथ एल थी, टेम्परेचर था टी नॉट, कुछ देर बाद जब हमने उसे हीट करा, टेम्परेचर बढ़ गया, टी एफ पहुंच गया, और लेंथ भी बढ़ गई, डेल्टा एल चेंज आ, ठीक है। तो फाइनल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा, दो बातें। तीसरी चीज डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे डेल्टा एल लाइन प्रोपोर्शनल किसके, डेल्टा टी के, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज्यादा चेंज लेंथ में आएगा, ठीक है। दूसरा, जितना ज्यादा ओरिजिनल लेंथ ली जाएगी उतना ज्यादा चेंज आएगा किसमें, लेंथ में। तो डेल्टा एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों को जब कंबाइन करा तो ये बना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्वेश्चन लगेगा, ये सही रहता है, नोट करो, ठीक है। और बहुत इजी है, क्यों है इजी बताएं,
अगला देखिए, अब इसके ना सवाल वगैरह आते हैं, बेसिक सवाल आते हैं यही फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, सेकंड लिखो, सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, सुपरफिशियल स्लैश एरिया एक्सपेंशन। क्या होता है सुपरफिशियल में एरिया एक्सपेंशन, जैसे लेंथ लीनियर एक्सपेंशन में क्या बढ़ रही थी लेंथ, सुपरफिशियल में क्या चेंज होगा एरिया बढ़े, ठीक है। तो मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, एक इसका ओरिजिनल एरिया ए है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ देर बाद इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हायर बढ़ गया, है ना, पहले एरिया कितना था ए, अब जो बढ़ा हुआ एरिया है ना पता है कितना है, वो है डेल्टा ए, कितना है डेल्टा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वैसे ही चलेगा सारी चीजें, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ होगा साफ से दिमाग, ठीक है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या चेंज इन टेम्परेचर, तो जैसे वहां करा सेम वैसे ही करिए, ध्यान दीजिए डेल्टा ए जो होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, सबसे पहले इसके डेल्टा टी के, अभी वही लिखा था, और दूसरा किसके होगा, डेल्टा ए किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से फॉर्मूला बता दो, डेल्टा ए दोनों को कंबाइन करो क्या बनेगा, बोलो ए डेल्टा टी बनेगा, और प्रोपोर्शनल टी का साइन रहेगा तो क्या लगेगा कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आता है अल्फा के बाद कौन आता है बीटा, दिक्कत बीटा की वैल्यू कितनी आएगी नीचे में से, डेल्टा आएगी कितने कौन आएगा बोलो ए, आगे समझो बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, कोई दिक्कत, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, तो कैसा आएगा, बहुत सिंपल होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, वही होगा तुमको चीज होगी, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, थ्री डी सरफेस होगी बेसिकली, इसका वॉल्यूम भी है, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेंज करते हैं इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, होगा बताया, जैसे वहां एल से डेल्टा एल हुआ, फिर ए से डेल्टा ए हुआ, उसमें बी से डेल्टा बी हो जाएगा, डेल्टा बी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, एक डेल्टा टी के और दूसरा बी के, दोनों कंबाइन करो क्या बनेगा, डेल्टा बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा तो क्या लगेगा कॉन्स्टेंट गामा बी डेल्टा, ठीक है, यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा, ये
अब इतना क्वेश्चन रिलेशन डिराइव करना है, क्या डिराइव करना है, रिलेशन, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, पहले एक काम करते हैं तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है, साइन एंटीथेटिकल नाउ कंप्यूटिंग चीजें और ऐसे होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन, तो इसका फॉर्मूला है अल्फा बराबर क्या आया था, ऊपर क्या आया था, डेल्टा अपॉन एल डेल्टा टी, सही है। अच्छा बीटा का फॉर्मूला एल की जगह ए डेल्टा अपॉन ए डेल्टा टी और गामा की जगह डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा। अब जरा ध्यान से लो, अल्फा की यूनिट क्या होगी, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी क्या है लेंथ, मीटर मीटर है, बस क्या टेम्परेचर बच गया, मीटर से मीटर तो कट जाएगा, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, तो ऊपर जाके क्या बन गया केल्विन इनवर्स, ऐसा ही है, इसमें भी केल्विन इनवर्स, इसमें भी केल्विन, तीनों की यूनिट सेम है, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा का, ठीक है, वो एग्जाम में डिराइव करने के लिए आ सकता है, बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड, ठीक है, यही डेफिनेशन थी जो मैंने आपको पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत हुई डेरिवेशन, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह में कोई परेशानी, ठीक है, ठीक है, बाकी एक स्पेसिफिक पहले इनका रिलेशन लिखो, देखो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इसकी डेरिवेशन सिखाता हूं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ध्यान दीजिए हमें इन दोनों के बीच पहले रिलेशन निकालते हैं, पहले हम अल्फा एंड बीटा के बीच की सीखना, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा पहले इन दोनों के बीच का निकालते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि किसी भी चीज की जो लेंथ एरिया, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो एक सरफेस अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम एक सरफेस, कोई परेशानी कोई दिक्कत, पहले ओरिजिनल जो भी होगा उसके नीचे जीरो लगाऊंगा, तो जैसे ओरिजिनल एरिया है इसको लिखा है ए नॉट, कोई परेशानी, ओरिजिनल लेंथ है तो इसको क्या लिखेंगे एल नॉट, कोई दिक्कत इसमें, क्या भी एल नॉट, सही। कुछ टाइम बाद जब चेंज हुआ लेंथ भी बड़ी एरिया भी बड़ा सब बढ़ेगा, हाँ ना भी बड़ा हो, फाइनल जो आएगा फाइनल का मतलब चेंज जो आया, चेंज इन लेंथ जो आया वो आया डेल्टा एल, और जो चेंज इन एरिया आया वो आया मान लो कितना ना चेंज इन एरिया वो आया डेल्टा एल, परेशानी इसमें चले गए सही है, समझ में पड़ी आएगी।
अब देखो तो जो फाइनल एरिया है वो कितना आना चाहिए, फाइनल एरिया हमारे अकॉर्डिंग, फाइनल एरिया पहले एरिया ए नॉट चेंज कितने का आया हुआ देखो डेल्टा, फाइनल एरिया ए नॉट प्लस डेल्टा होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहा है। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, फॉर्मूला एरिया का लेंथ का स्क्वायर रूट होता है बेसिकली, हम लोग ए नॉट प्लस डेल्टा ए की जगह ऐसा लिख सकते हैं एन प्लस एन नॉट का स्क्वायर, एन प्लस सॉरी ओरिजिनल लेंथ एन नॉट प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर, सही है सही है, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर करके आता है ना। अब ये ए नॉट प्लस ए डेल्टा ए को ऐसे रखो, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एल का फॉर्मूला था, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू निकाल कितनी आएगी बताओ, एल नॉट ऐसी डेल्टा एल की वैल्यू बताओ ये उधर जाएगी, बोलो क्या बनेगा, बोलो अल्फा आगे एल डेल्टा का स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी सही है बता, कोई दिक्कत ठीक है आगे नोट कर लो बेटा। अगली बात ए नॉट क्वेश्चन रखते हैं, डेल्टा ए की वैल्यू हंसा सकती है कितनी आएगी, डेल्टा ए की वैल्यू निकालो क्योंकि अल्फा बीटा लाने में, अल्फा तो लिया है बीटा को लाना है, कितनी आएगी वैल्यू बीटा डेल्टा ई वैल्यू बीटा उधर जाएगा ए डेल्टा टी, सही है, और ये एल नॉट प्लस एल डेल्टा ई स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है ना, आठ लो लो बच्चे का बंद लो इनका फीड है, सही है, इन दोनों में क्या कॉमन है एल नॉट और उसका स्क्वायर, एल नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाँ एल स्क्वायर बाहर बचा क्या वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, कोई परेशानी सर हमें यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू आएगी बीटा ए नॉट डेल्टा टी, सिंपल सिंपल वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। अब एक बात देखो, एक बात बताओ ओरिजिनल एरिया ए नॉट, ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर ही तो होगा ये भी है ना, ए नॉट जो बराबर होगा वो बराबर होगा एन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ओरिजिनल एरिया कैसा है ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर कर लेना होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, सही है, प्लस टू ए बी, सही है अल्फा डेल्टा, कुछ कैंसिल हो रहा, वन से वन तो कट गया, वन माइनस वन कट गया, अब बात आई से एक अल्फा स्क्वायर और टू अल्फा डेल्टा टी, सही बात है। अब मैं जो लिख रहा हूँ बस आपको यही याद करना, बाकी कुछ एक बात देखो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना बहुत छोटी होती है, वो अलग अलग होती है, पता कितनी 10 की पावर माइनस 5 अल्फा की, तो उसका स्क्वायर करने वैल्यू और छोटी हो जाएगी, कल बताया था ना कि छोटी चीज का अगर स्क्वायर करते तो वो और छोटा हो जाता है, तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, कितना क्या कर देंगे नेगलेक्ट, यहां पे इतना ही लिखेंगे, लिखो ऐसे राइट लिखो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑफ ऑर्डर
10 की पावर माइनस 5, 10 टू दी पावर माइनस 5, सो इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, उसकी जो बड़ी पावर है वो क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिलेशन क्या है, बीटा डेल्टा टी बराबर क्या है इसे बताओ, बीटा डेल्टा टी बराबर, ये नेग्लेक्ट कर दिया इसको, ये बचेगा सिर्फ 2 अल्फा डेल्टा टी, कुछ कैंसिल होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, बीटा किसके बराबर आ गया, डबल ऑफ अल्फा, आया रिलेशन समझ में आ गया। ऐसा पहले हमने इनके बीच रिलेशन निकाल दिया, सिर्फ बीटा और अल्फा का रिलेशन आ गया, ऐसे निकालना है रिलेशन, नोट करो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बहुत सिंपल रिलेशन है, स्पीड में करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, एक बार फिर से दोबारा नोट कर लिए। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है, हम इसका रिकैप करते हैं फटाफट, क्यों मैं हमारे लिए तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना, और एग्जाम में देख रहे हैं, समझो बहुत जल्दी जल्दी करना है, पेपर में करना है जल्दी, एक सरफेस है, ओरिजिनल एरिया क्या है, ओरिजिनल एरिया ए है मान लो, तो ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर करके आया अपना एल का स्क्वायर, सीधा सीधा हमने लिखा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, खत्म बात, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब एरिया इंक्रीज हो गया तो चेंज कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल, ठीक है, और लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल, अभी हमने कहा ए प्लस डेल्टा एल यही होगी फाइनल लेंथ, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है, नया एरिया मतलब नई लेंथ का स्क्वायर, खत्म बात। उसके बाद ए को ऐसे रखा, डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से निकाली थी कितनी आई थी, बीटा ए डेल्टा टी, एल प्लस डेल्टा ए की वैल्यू रखा कितनी थी, डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से बताओ, इधर भेजो अल्फा एल डेल्टा टी, समझ में आया, अब यहाँ से ए कॉमन आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, सही है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एल, और एल का स्क्वायर होगा क्योंकि बाहर आने पे, सही है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, सही है, एल स्क्वायर से ए कट गया क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि एक जगह एल स्क्वायर लगोगे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इसका होल स्क्वायर ऊपर का है, कितना आएगा बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, सही है, आपकी क्या है, तो 1 से 1 कट गया था, इसके हायर पावर को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट, तो बीटा डेल्टा टी बराबर किसका आ गया, 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हुआ, बीटा बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा, ऐसे कर दिया, एग्जाम में भूल भी गए तो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल याद रखना एरिया लेंथ का स्क्वायर करते हैं, मतलब ठीक है। अब हमें इसी में किसको ला लेते हैं, इसी गामा, और गामा कर लीजिए, नोट कर लिया, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, समझे, स्टार्ट कर दीजिए, फिर से वही कोई सरफेस होगी, ठीक है ना, कोई सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है, v मान लो, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, v, ओरिजिनल लेंथ क्या है, लेंथ l, परेशानी इसमें चलेगा, चेंज जो आया वॉल्यूम में, चेंज इन वॉल्यूम वो कितना होगा मान लो, डेल्टा l, चेंज इन एरिया कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना आ जाएगी, चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल, इतने में कोई दिक्कत, वॉल्यूम और लेंथ की वॉल्यूम कैसे करके आता है, जैसे एरिया स्क्वायर करके आता है तो वॉल्यूम क्या करके आना चाहिए, क्यूब करके आना चाहिए, तो बी बराबर सिंपल होना चाहिए एल क्यूब, हाँ बी बराबर क्या होना चाहिए, एल क्यूब, आगे देखो, अब आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें, तो न्यू वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, v प्लस डेल्टा v, जो किसका स्क्वायर क्यूब करके आएगा, लेंथ का, तो अगर हम नई वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लेंथ भी नहीं लगी, यानी l प्लस डेल्टा है, और इसका क्या लिखेंगे, क्यूब, तो परेशान इसमें, सही है, अब वैल्यू रख लेंगे v ऐसे, वहां से डेल्टा v की वैल्यू निकालो, डेल्टा v की वैल्यू क्या आएगी, यहां से गामा v डेल्टा, ठीक है, इसमें l को ऐसे डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से रखो क्या आएगी बोलो,
एल डेल्टा टी एल ऐसी या एल डेल्टा एल एल सही है। अब v की जगह कॉमन आ रहा है, इसमें v कॉमन आएगा क्या बचेगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी सही है, इसमें भी क्या कॉमन आएगा एल, बाहर आके क्या बन जाएगा एल क्यू बचेगा क्या 1 प्लस एल का डेल्टा टी सही है, कैंसिल होगा कुछ v और l के बराबर है फिर से कट जाएंगे सही है, बच क्या गया यहां से बताओ 1 प्लस गामा डेल्टा टी और इसका क्यूब करने पे क्या आएगा, क्यूब करना पड़ेगा क्या आएगा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर ये ऐसे करते हैं ठीक है। चलिए a का क्यूब 1 b क्यूब अल्फा क्यूब डेल्टा t क्यूब सही है प्लस 3 a स्क्वायर b तो इसका स्क्वायर करने पे कितना आंसर बताओ इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा और b यानी कि अल्फा डेल्टा t प्लस क्या आएगा 3 a यानी 1 और b स्क्वायर इसका स्क्वायर तो क्या बनेगा बोलो अल्फा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर तो परेशानी इसमें 1 से 1 कट गया ठीक है। फिर से वही लाइन लिखेंगे क्या थी लाइन कि अल्फा इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -5 सो हायर पावर्स कैन बी नेगलेक्टेड ठीक है। पता होना चाहिए आपने फॉर्मूले से करके पुट करना समझ में आ रहा है ना यहां से वैल्यू पुट करना वही है ना डेल्टा ए बराबर बीटा ए डेल्टा हो गया। अब यहां से क्या-क्या कैंसिल होना बच गया करो कैंसिल लास्ट में कैंसिल कर दो फटाफट अल्फा क्यूब और ये तो वो लिख दिया हायर पावर्स के लिए निकलते वाले लिख दी यहां से बचेगा क्या बी सॉरी गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बचा यहां से ये नेगलेक्ट हो गया और ये भी नेगलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें अल्फा का स्क्वायर हो रखा है तो बच क्या गया सिर्फ 3 1 का स्क्वायर 1 अल्फा डेल्टा टी कुछ कैंसिल हुआ इसका इसमें क्या कैंसिल होगा डेल्टा टी से डेल्टा टी गए तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा ठीक है तो गामा और अल्फा का भी रिलेशन आ गया कोई परेशानी इसमें ठीक है पता
लास्ट चीज है जो आपको समझा रहा हूँ वो ये है। अब बात करी कि चलो आपने अल्फा बीटा का रिलेशन निकाल लिया, अल्फा और गामा का भी आ गया। अब एक ही लाइन में तीनों को लिखो, मतलब चलो अल्फा बीटा गामा तीनों इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, निकालते हैं तीनों का रेशियो। अल्फा को अल्फा रहने दो, बीटा की हमें वैल्यू निकाली, अल्फा क्या बने कितनी आई थी देखिए, बीटा क्या था अल्फा का डबल था तो 2 अल्फा, और गामा अल्फा का क्या था ट्रिपल था 3 अल्फा। अल्फा अल्फा सबसे कट गया तो रेशियो कितना आ गया 1:2, समझ में आया। यही है जो रेशियो आपको बताना था, अल्फा बीटा गामा का रेशियो पता लगा, तीनों का रेशियो क्या होता है अल्फा बीटा गामा का 1:2। कोई दिक्कत को बचा नहीं, इजी वेरी इजी। एक और चीज, अल्फा बराबर 2 बीटा था और गामा बराबर 3 अल्फा था, सही है। तो ऐसा बोल सकते हैं बीटा बराबर अल्फा बाय 2 भी होता है, पता है, और गामा बराबर क्या होता है अल्फा बराबर यहां से क्या होता है गामा बाय 3 होता है, सही है। तो अल्फा बीटा गामा का एक रिलेशन और होता है कि अल्फा ने बोला बीटा बराबर 2 अल्फा, अल्फा बराबर बीटा बाय 2, तो अल्फा ने बोला मैं बीटा का क्या हूं आधा, और गामा जो बेसिकली हमारे पास अल्फा ने एक और बात बोली मैं गामा बाय 3, सही है। अब इन दोनों को इक्वेट करना था तो मैंने कहा एक काम करो तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 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 सबको 6 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा होगा 6 अल्फा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 6 बीटा बॉन्ड 2 से 3 कट जाएगा यानी 3 बीटा, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 जाएगा 2 गामा। इस रिलेशन को एग्जाम में या तो ये पूछेगा ये पूछेगा, ठीक है। अगर रेशियो पूछेगा तो आंसर ये और रिलेशन पूछेगा ठीक है, एमसीक्यू में आएगा एक मार्क्स पे आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये कैसे सॉलिड फील होता है नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड होता है नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड, इसका मीनिंग क्या है अभी इनको फिर से देख लो नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड। एक साइड में लिखो नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड की मीनिंग बताओ। पहले आइसोट्रोपिक पता होना चाहिए, नॉन आइसोट्रोपिक पता होगा तो पहले लिखो आइसोट्रोपिक, लिखो आइसोट्रोपिक, लिखो द सॉलिड आइसोट्रोपिक सॉलिड, लिखो द सॉलिड विच हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, विच हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। लिख दिया, जिसकी सारी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज क्या रहती है सेम रहती है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो नॉन आइसोट्रोपिक क्या होगा, which have different properties in all time. एग्जाम में अगर ये लिख के आ गए तो टीचर तुम्हें सल्यूट मार देगा, बताओ इससे ज्यादा क्या होगा, तुम्हें पास करने के विषय से आकर जाएगा। आ गया जी, तो तुम्हारे लिए काम अब आता है नेक्स्ट चीज, दो तीन डेफिनेशन है, ये केमिस्ट्री में पढ़ी हुई तो बहुत इजी है मानना। जैसे एक डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पढ़ा था केमिस्ट्री में क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
चौथी स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि किसी भी मास का या किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन लिखो, लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर, to raise the temperature, to raise the temperature of a unit mass, of a unit mass, unit mass मतलब 1 kg ऐसा बोल सकता है, of a unit mass of substance, of substance by 1 degree celsius, by 1 degree celsius। समझ में आया? अब इसके एसआई यूनिट तुम खुद भी बना सकते हो, मैं बना के देता हूं। एसआई यूनिट होती है इसकी, देखो सिंपल है। क्या बोला सबसे पहले डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ हीट, हीट क्या होती है, एनर्जी यानी जूल, ठीक है। आगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर, आगे आई यूनिट मास, आई यूनिट मास मतलब पर केजी, यानी केजी की पावर माइनस 1 है, यानी पर कितना बाय केल्विन की पावर माइनस 1 पर केल्विन। समझ में आ गया? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है, देखो नेक्स्ट देखो, अच्छा इसका फॉर्मूला जो होता है थर्मल, इसका जो आपने लिखा Q is equal to MC delta T, तो पढ़ाई था हमने Q is equal to MC delta T, और Q होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, सब पता चल गया, लिख लो Q is equal to amount of heat required, C लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किताबों में से S भी लिखता है तो वो भी कंफ्यूजन नहीं है, C की जगह S पे लिखा रह सकता है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, ये पूरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर वर्ड से क्या फर्क हो जाएगा बताओ मेरे को, खुद मोलर वर्ड से क्या हो जाना चाहिए, 1 मोल के लिए आ जाएगा बस। लिखो डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, हेडिंग है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख दे, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय बाय 1 डिग्री सेल्सियस, आगे समझ में। एक और लिख लो थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, ये भी बहुत इजी है थर्मल हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ना इसमें स्पेसिफिक है ना मोलर वर्ड है, सिर्फ पर आपको लिखना है, लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल ऑफ द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी का, बाय बाय 1 डिग्री। आगे समझो, ये यूनिट समझ में आ जाएगी, जैसे उसकी एसआई यूनिट क्या थी, ये यूनिट एसआई यूनिट की स्थिति वाली हमने निकाल, ये थी स्पेसिफिक, है ना। मोलर की क्या होगी, मोलर की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल, और बढ़िया, और बल कैल्विन, सही।
और थर्मल की जो ओरिजिन थर्मल की भी थर्मल किस पे डिपेंड, एक ही चीज की बात कर रहा था, ये भी हीट है तो जूल आएगा। क्या वह मोल और केजी किसी का इंट्रोडक्शन है? नहीं, सिर्फ टेम्परेचर का कैंडल है, समझ में? ठीक है, बाकी ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, जूल की जगह कैलोरी हो सकता है, यही तो हो सकता है, और कोई नहीं। ठीक है, चेंज करना आता है जूल को कैलोरी, कैलोरी को जूल में। अभी लिखा था 1 जूल में कितने होते हैं, 4.186 कैलोरी होते हैं, 4.186 जूल। ठीक है, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिंपल पता है तो ठीक है, वरना देख लो कैलोरीज को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इनटू करना है 4.2 ले लो उसको अप्रोक्स। ठीक है, और जूल को कैलोरी में तो डिवाइड करना है 4.2। समझ में आ गई? फॉर्मूला तुम्हें लिखा दिया ना? ठीक है, अगर देखो मोलर हीट कैपेसिटी दी होगी तो मोल्स के पीछे भागना। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा क्यू इज इक्वल टू एमसी डीटी लिखा था फॉर्मूला, अगर ये कहा जब मास दिया होगा, क्या दिया होगा, मास, और सी होगा स्पेसिफिक हीट, सी दिया होगा स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन में खुद दिया होगा कि स्पेसिफिक हीट इतना है। अगर क्वेश्चन में मोलर हीट दिया है, क्या दिया है, मोलर हीट, तो क्यू बराबर नंबर ऑफ मोल्स फिर मोलर हीट, मान लो एम है मोलर हीट इनटू डिटरमिनेंट, समझ में आ गया, तब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स, फिर मोलर वर्ड्स तो भी सेटिस्फाई होगा ना, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी डिटेल नहीं पता आपको, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें से किसके असाइनमेंट नहीं पता, देखो जरा कोई है जिसके असाइनमेंट नहीं पता, तो क्यू के असाइनमेंट क्या होगी, जूल होगी, सिर्फ जूल, एन की क्या होगी, मोल्स, एम होगा मोलर, तो मोलर किस लिखाई थी जूल पर मोल पर केल्विन वाली पूरी, डेल्टा टी किस में होता है केल्विन, ठीक है, वैसे करके आप इजीली कर सकते हैं। अब आता है काम की बात, हुई कैलोरी मीटर, कैलोरी मेट्री जिसे बोलते हैं, ये बहुत इजी है, बहुत इजी, कैलोरी मेट्री मतलब कभी पानी को वो करा नहाने से पहले गुनगुना बनाते पानी को, नहाए भी कि नहीं नहाए तुम 4-5 दिनों से, होली आने वाली है, होली में नहाएंगे उसे, तो कैसे बनाते गुनगुना पानी, ठंडा पानी गर्म पानी दोनों को मिक्स करते रहते हैं ना, तो होता क्या उससे, ठंडे पानी और गर्म पानी को मिक्स करने से होता क्या, कैसे बनता है वो, कभी सोचा, अब खुद सोचो होता क्या है, ठंडा पानी जो तुम्हारे पास है, ठंडा है तो मान लो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस सही है, और गर्म पानी जो तुमने गैस में या कहीं भी गर्म करा उसका टेम्परेचर तो खोलता हुआ पानी है ना, तो उसको 90 डिग्री सेल्सियस मान लेते, कोई दिक्कत, 100 में भी नहाते हो तो पागल, 500 में भी नहाते, ठीक है, तो होता क्या है ना, 10 यूज कर सकते हैं ना 90 यूज कर सकते हैं, यही तो मतलब होता है मिक्स करने का, वरना इसी से नहा लो अगर 90 ही कर लो, 10 ही से नहा लो वैसे यूज, तो इन दोनों का मिक्सअप यूज करते हैं, तो कैलोरीमेट्री ऐसी काम करता है कि जब भी दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करा जाता है जिनका क्या टेम्परेचर अलग अलग है, क्या अलग अलग है, टेम्परेचर, तो हीट फ्लो करती है, हीट क्या करती है, फ्लो, हीट पता है कैसे फ्लो करती है, ये वाला ज्यादा हीट में होगा आएगा, इस वाले के अंदर हीट कम होगी, ठीक है, हमें इन दोनों को मिक्स करके तीसरा लिक्विड बनाना है, बोलो हाँ, जिसमें सब्सटेंस इसकी हीट देखो, खुद सोचो अगर ये बीच वाला सब्सटेंस बनेगा इसका टेम्परेचर लगभग 30 होगा या नहीं होगा, बीच का टेम्परेचर होगा ना कोई नहीं, 10 और 90 के बीच में आएगा ना, ये मेरा कहना है, और 10 वाले को अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, हाँ या ना बोलो, तभी बनेगा। अब मैंने कहा हीट तभी हो सकता है जब ये अपनी हीट इसको दे दे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए और इसको एनर्जी कम करनी, क्लियर हुआ, तो यही होता है जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हीट फ्लो होती है हायर वाले से लोअर वाले, इसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री, समझ में आया है, पानी गुनगुना पानी तो करा ही है ना, तो ऐसे करा जाता है, ठीक है, जो ज्यादा गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ मिक्स होके बैलेंस बनाता है, ठीक है, तो लिखो एक लाइन लिखो, when two bodies at different temperature are mixed when two bodies at different temperature are mixed heat flows from the body at a higher temperature heat flows
फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, जो बॉडी कौन से टेम्परेचर में है, हायर टेम्परेचर में, टू द वन विच इज एट लोअर टेम्परेचर. कौन सी बॉडी में, जो कौन से टेम्परेचर में है, लोअर टेम्परेचर, विच इज एट लोअर टेम्परेचर, अंटिल कब तक, कब तक फ्लो करती रहेगी बताओ, अंटिल अ कॉमन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज रीच्ड, अंटिल अ कॉमन टेम्परेचर इज रीच्ड. देख दे, अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा देते हैं. ऐसा आपने घर में भी होते हुए देखा होगा, मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, ठीक है. जैसे आपने देखो एक बॉल रखी हुई है ऊपर, ठीक है, और एक नीचे बना हुआ है, ये दो सर्फेस है, ध्यान देखना, सर्फेस ए है, सर्फेस बी है, ठीक है. अब हमें ना बॉल को बैलेंस करना है, बात से इतनी सी है, ये हायर पे है और ये कहाँ है, लोअर पे, दिख रहा है ना, हाइट के साथ सिंपल. अब मैंने कहा बॉल को बैलेंस करना है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं. क्या करोगे, कैसे करोगे, खेल खेल रहे वाला गेम तो सिंपल है, कैसे करोगे बैलेंस, कैसे करोगे बैलेंस, बॉल को बिल्कुल बीच में लाना है, ठीक है, ये हमारा है. तो कैसे करेंगे बैलेंस, इसको क्या करना पड़ेगा नीचे, और इसको क्या करना पड़ेगा ऊपर. तो बॉल कहाँ जाएगी, हाई से लो की तरफ, समझ में आया नहीं आया, ऐसा होता है काम, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या हो रहा है. और अगर यहाँ पे भी कोई बॉल होगी तो उसके वो भी इधर को जाएगी, तभी तो बैलेंस होगा, तो वो कहाँ जाएगी, लो टू हाई, समझ में आया. तो यही समझा रहे कि एनर्जी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टू लो फ्लो करती है पहली बार, दूसरी बार कि कब तक करेगी, जब तक कॉमन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं मिल जाता, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत सिंपल था जो आपको पता, ठीक है. अगर टेम्परेचर यहाँ 10 है, यहाँ 90 है, हमें बीच का टेम्परेचर निकालना है, कहाँ का टेम्परेचर निकालना है, बिल्कुल बीच का. तो कॉमन टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, यानी टीसी मान टेम्परेचर प्लस हायर टेम्परेचर और डिवाइड बाय 2, कितना आएगा, 10 प्लस 90 अपॉन 2 कितना आएगा, 100 अपॉन 2 कितना होगा, 50. एग्जैक्ट 50 पे हमें क्या मिल जाएगा, गुलगुला पानी, क्या निकलेगा, समझ में आया नहीं है, ठीक है. तो आप एक चीज और कर सकते हो, गुलगुला पानी की 50 पे वो दिमाग है तुम्हारा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मामीटर लेके बैठना, समझ में आ गया कैसे बनाया है, पूरे पूरे फॉर्मूला लिख लेना, रटने का नहीं है, ठीक है, सिंपल है समझने का, ठीक है. कि ये तो बीच की वैल्यू है ना, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू, दो नंबर के बीच का टर्म कैसे निकाला जाता है, दो और छह के बीच का, तो दो और छह के बीच का कैसे निकालोगे बताओ, कितना होता है, 8 अपॉन 2 कितना होता है, 4. तो 4 एक बिल्कुल बीच में आया, जो कि सही बात है, कैलोरीमीटर, ठीक है. अब दूसरी चीज, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो बेसिकली एक अपने अंदर की हीट को रिलीज आउट कर रहा है, एक अपनी हीट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, गेन कर रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, रिलीज और इंटेक. तो आप लिखिए डेफिनेशन, लिखो लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें बेस ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय विच हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. ये लिखा हुआ हीट लॉस किसके बराबर हो रहा है, हीट गेन के, तभी तो ऐसा हो रहा होगा, जितनी ही लॉस हो रही होगी उतनी हीट गेन हो रही होगी, समझ आया? और ऐसा मान रहे कि सराउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सराउंडिंग भी कभी कभार हीट ले लेते हैं, मान सराउंडिंग को कोई फर्क लॉस को का सराउंडिंग, क्लियर, इतना समझ में आ गया पूरा, यही था आपका चैप्टर थर्मल. दो तीन चीजें और छोटी छोटी सी बता तो खत्म हो जाएगा, जैसे फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूजन मेल्टिंग पता नहीं कब होता है, ठीक है. और क्या,
अच्छा लेटेंट हीट पढ़ा हुआ है, लेटेंट हीट पता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा लेटेंट हीट का फॉर्मूला पता है, पता होना चाहिए, Q is equal to ML होता है, ठीक है, Q is equal to ML, M क्या है मास और Q है हीट, L है लेटेंट हीट, कितनी हीट है बेसिकली। लेटेंट हीट जो दी जाती है वो आपको पर केजी के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। वो ऐसा बोला उसने कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 5 जूल, एग्जांपल इसकी यूनिट होती है मान लो केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी, केल्विन ही होगी सर, क्योंकि टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। अगली बात उसने बोला ये बताओ कितनी हीट चाहिए होगी अगर हमें ये लेट ऐसे लिखा होगा, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसके लिखे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब क्या है इसका वेपराइजेशन बोलने का, कि 5 जूल की एनर्जी लगेगी अगर जो पानी है उसको स्टीम बनाना है, वेपराइज से ही तो मतलब होता है लिक्विड से गैस बनाना है, तो 5 जूल की एनर्जी लगेगी अगर 1 किलोग्राम वाटर होगा, यही इस पूरी डेफिनेशन का मतलब, ठीक है। लेकिन हमने कहा जो मास है ना, हम जो वाटर ले ले वो ले ले मान लो 99 kg, इतना वाटर ले ले, कितना ले लिया 99 kg एग्जांपल, तो हीट निकालो, क्यों निकाल रहे हैं, m मतलब मास 99, l कितनी लेटेंट हीट चाहिए थी, 1 के लिए कितनी चाहिए 5, तो 99 के लिए कितनी चाहिए 99 × 5, सॉल्व करके आ जाएगा सिंपल, कितना आ जाएगा, अभी आंसर आएगा 240 एग्जांपल, समझ 240 जो भी आएगा, 5 4 49, समझ में आया, सिंपल ऐसा आप हीट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, इजी है, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, जो न्यूमेरिकल है ना चैप्टर की बहुत इजी है, सिर्फ आपको इतना समझना है 1 किलो के हिसाब से या 1 मोल्स के हिसाब से आपको एक चीज दे दी है, जितने का पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। दूसरा अगर टेम्परेचर के हिसाब से है तो डेल्टा टी आएगा, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते, लेटेंट हीट टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि तो स्टेट चेंज करने पे मिलती है ना, तो इसमें डेल्टा टी नहीं आएगा, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें हम क्या लिखते हैं बाय 1 डिग्री, यहाँ था 1 डिग्री, सिंपल ठीक है, ओके। एक और हीट जो ट्रांसफर करी जाती है, जैसे हीट ना 3 तरीके से ट्रांसफर करी जाती है जनरली, ठीक है, तुम्हारे सामने भी तुम देखते हो, तुम्हारे एग्जांपल्स में भी हीट 3 तरीके से ट्रांसफर की जाती है, एक होता है कंडक्शन, एक क्या होता है कंडक्शन, कंडक्शन का एग्जांपल है, आपने कभी वो देखा रोटी बनाते हुए देखा घर में चिमटे से, तो कंडक्टिव तो हो रही हीट, एक जगह से दूसरे का फ्लो ही तो कर रही है, चिमटे का जो आगे वाला हिस्सा है, चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो मान लो रोटी बना ले, तुम रोटी तो इस वाले हिस्से से बना लो, वाले से खाने ये तो नहीं हाथ से पकड़ रहे रोटी, यहीं से पकड़ लो, लेकिन धीरे धीरे पता क्या फील होता है कि हीट ना पीछे को आ रही है, अगर तुम्हारे यहाँ पे हैंडल जो है वो लोहे का है, तुम्हें भी धीरे धीरे गर्मी फील होने लग जाती है, हीट क्या करती है फ्लो करती है, अभी पढ़ा था ना टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे हायर टेम्परेचर यहाँ पे लोअर, ये वाला एग्जाम्पल होता है कंडक्शन का, ये किसका एग्जाम्पल है कंडक्शन का, तो पहली तरीके हीट फ्लो करता है कंडक्शन के थ्रू, किसके थ्रू करता है कंडक्शन, तो हेड डालो हीट ट्रांसफर, हेड डालो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ये तो देखा है ना घर में आराम से फील हो सकते हैं, नंबर 1 आपने क्या लिखा कंडक्शन, नंबर 1 लिखो कंडक्शन, कंडक्शन में लिखना डेफिनेशन, कंडक्शन में लिखो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर, place of higher temperature to the place of lower temperature. देख दिया? आगे लिखो, it takes place in
इट टेक्स प्लेस इन कंडक्शन जो जनरली होता है उस जनरली सॉलिड्स में होता है, किस में होता है सॉलिड में, देखो ये सॉलिड में देखने को मिला हमें कंडक्शन, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ठीक है। अगला लिखो कंडक्शन, समझ में आ गया सिंपल है कंडक्शन। सेकंड लिखो कन्वेक्शन, सेकंड लिखेंगे कन्वेक्शन, पहला कंडक्शन दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कन्वेक्शन का ऐसे समझिए हाँ, जैसे आपने कभी वो देखा हीटर से कभी हीट अब्सॉर्ब करी या आग से की कभी, तो होता क्या आग कैसे सेकी जाती है तो सबको पता है, पर होता क्या उसमें बीच के पार्टिकल्स भी तो गर्म होते हैं ना, या फिर आप ऐसे समझो कि आप ना वाटर पूल के एक साइड हो, ठीक है, यहाँ पे ठंडा पानी था, यहाँ पे ठंडा पानी था धीरे धीरे, मतलब आप भी ठंडे हो गए, पूरा पानी ठंडा, कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी ने एकदम से गर्म पानी छोड़ा, ठीक है, मान लो क्या गीजर लगा रहा था किसी ने, ठीक है, वाटर गीजर सो, तो किसी ने पानी छोड़ा, तो धीरे धीरे वाटर फ्लो होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा, हाँ ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन बोलते हैं जब बेसिकली एक बॉडी हॉट बॉडी मूव करते करते जाए, जब हॉट बॉडी क्या करती है मूव करती है मीडियम के थ्रू, ये मीडियम ही तो है, ठीक है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो लिक्विड तो मूव कर सकता है, गैस भी मूव कर सकती है, क्या कभी सॉलिड मूव कर सकता है, नहीं मूव कर सकता, तो कन्वेक्शन जनरली लिक्विड में होता है, और रेडिएशन जो तीसरा मेथड आएगा वो गैसेस में हो सकता है, ठीक है, मतलब लिक्विड और गैसेस में ही होता है, ठीक है ना, समझ रहा है पहले, तो डेफिनेशन लिखो कन्वेक्शन की, लिखो फ्लो ऑफ हीट बाय द मोशन ऑफ हॉट बॉडी, बाय द मोशन ऑफ हॉट बॉडी, by the motion of hot body, motion of hot body which carries its heat, जो खुद की heat को carry करे, which carries its heat with itself, खुद heat को क्या करे carry करके चले, है ना, carries heat with itself, that's ठीक है। एक और एग्जांपल होता है जैसे आग सेकते हुए वाला बता रहा था, ये हीटर जो लगता है, हीटर जब सेकते तो होगा क्या, आपने देखा ना हवा भी गर्म होती है, तो हवा ही तो आप तक पहुंचती है, ऐसा तो है नहीं हीटर आपके मुंह पर रख दिया जाता है या आग आपके मुंह में लग जाती है, नहीं, तो हवा ही गर्म हो रही है धीरे धीरे, ये होता है, ठीक है, ये मैसेज इसमें काम आता है, क्लियर है, यहाँ पे क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो इसमें कंडक्शन में तो डायरेक्ट सॉलिड वाला समझ में आ गया, इसमें क्या होता है डायरेक्ट फ्लो करती है, ठीक है, इसमें क्या होता है हॉट बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक है। तीसरा लिखो रेडिएशन, तीसरा लिखिए रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें ना बीच में मीडियम ही नहीं होता है, बीच में क्या होता है मीडियम ही गायब होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे यूवी रेज आ रही है उधर स्पेस से आ रही है, स्पेस में क्या मीडियम है कुछ नहीं, ठीक है, तो रेडिएशन, इसलिए यूवी रेडिएशन सुना होगा ना तुमने, कभी यूवी कन्वेक्शन सुना, यूवी कन्वेक्शन है, यूवी क्या सुना है रेडिएशन, रेडिएशन इसीलिए होता है क्योंकि बीच में क्या नहीं है मीडियम नहीं, तभी भी हीट ट्रांसफर होती है, तो लिखो हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, in which heat travels directly from one place to another without the help of any in between medium, जिसमें बीच में कोई medium नहीं होता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये तीनों की तीनों जो डेफिनेशन दी है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन, ये एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने दिए, ठीक है ना, तो कभी कभार पूछ ले तो बता देना कि गिवन बाय मैक्सवेल, दीज ऑल डेफिनेशंस आर गिवन बाय मैक्सवेल। डन।
अच्छा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ा है, क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्या होता है रेजिस्टेंस? किसको रोकता है? करंट को रोकता है। अगर थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे तो क्या होगा? तो हीट को रोकेगा। तो बस यही लिख के आना पेपर में, अगर पूछा थर्मल रेजिस्टेंस कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी स्टॉप्स द फ्लो, वहां पे बस करंट था, यहाँ क्या है? थर्मल हीट। क्लियर? ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे याद रहेगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इस बारे में कि कितनी हीट ट्रेवल हुई, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, ठीक है। और हमने जो लिया था बेसिकली एरिया भी एक यूनिट ही लिया था, ठीक है। तो कितनी हीट ट्रेवल हुई उसको होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। डेफिनेशन में दिक्कत नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके है, तो लिखो हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ, देखो न्यूटन यहाँ पे कहाँ नहीं है न्यूटन, मैथ्स में भी पता है न्यूटन, हर जगह न्यूटन। तो लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और वही न्यूटन है, एक ही। डेफिनेशन ध्यान से लिखना, पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। एग्जैक्ट इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। आगे लिखो नेक्स्ट इसमें, ब्रैकेट में लिखा प्रोवाइडेड दैट, ब्रैकेट में लिखो प्रोवाइडेड दैट डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल, provided that difference in temperature is small is small not more than 40 degree, not more than 40 degree celsius। क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है। फ्रिज में पानी की बॉटल कभी करी? क्या होता है फ्रिज में डाली तो किस स्पीड से ठंडी हो गई? अगर ये निकलना है तुम्हें सीख जाओ, इतना आसान है। घड़ी में टाइम देते हो अब तो ठंडी हो गई थी बॉटल, ऐसी हो गई। और ध्यान से सुनो होता क्या है, उसने ऐसा कहा कि बात कुछ ऐसी है कि ना आपको ये समझना है पहले कूल होते हुए होता क्या है, जब कोई बॉडी ठंडी होती तो होता क्या है, उसकी एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है, उसके अंदर की हीट एनर्जी कम होगी तभी तो बॉडी ठंडी होगी, ठीक है। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। तो उसने बोला कोई भी बॉडी जो हीट लॉस करती है, यहाँ पे लॉस की बात आएगी ना, हीट लॉस जो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हीट लॉस, ये तो बोला हीट लॉस ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? डिफरेंस इन टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिफरेंस। तो हीट लॉस करना, उसका रेट, हीट लॉस करने का जो रेट यानी स्पीड है, हीट लॉस करने की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन टेम्परेचर। किसके टेम्परेचर के? डिफरेंस। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर किन चीजों का? एक मान लो ये फ्रिज की पानी की बॉटल, ये बॉटल और डालना का इसको फ्रिज में, ठीक है। बॉटल का टेम्परेचर, कुछ बॉटल के अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा, मान लेते 25 रूम टेम्परेचर पे भाई आपकी बॉटल, ठीक है। और जब फ्रिज में डालोगे कितना चाह रहे हो, तो बर्फ बनाना चाह रहे हो तो जीरो आया ना, तुम 25 से जीरो चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो टेम्परेचर, ये तो चाह रहे हो। तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अगर क्या कह रहा है, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी उतनी तेज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25 से जीरो बनाने के केस में, एक केस में कह रहे तुम, कह रहे यार बॉटल ना आराम से क्या हो जाए, 25 से तुम चाह रहे 10 बन जाए पानी पीने लायक हो जाए, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो बेसिकली स्पीड भी ज्यादा होगी, और अगर डिफरेंस कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 25 माइनस जीरो कितना आएगा, डिफरेंस 25 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 25 माइनस 10 15 का, स्पीड किसमें ज्यादा होगी, 25 वाला स्पीड ज्यादा होगी, समझ में आया इतना, क्लियर हुआ? बाकी क्वांटिटी बहुत सारी चीजों में वो करता है, क्लियर हुआ? सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बोला जो स्पीड हीट लॉस करने की होगी, रेट ऑफ हीट लॉस, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर।
डिफरेंस किसके बीच का, ये देखो सिस्टम है और ये क्या है सराउंडिंग, ये बॉडी है, ये क्या है सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के बीच ये तो बोला एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। कोई दिक्कत आगे समझ में, बस ये लिख लो ये चीज लिख लो और एक ग्राफ बना लेंगे टाइम ये एग्जांपल दे दो लिखने में लिख लेना बाकी बाकी स्टीफंस लॉ वगैरह भी कुछ पढ़ा है ना पढ़ा रहा है पढ़ ले तो इसी लिए स्कूल में स्कूल के नोट है पढ़ाते हैं मतलब कौन स्कूल में तो पढ़ाते हैं कल्ले पढ़ाते हैं पढ़ के जाना हम लोग को पीछे लास्ट टॉपिक है, बाकी पूरा खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक इस वाले में मजेदार है। इसी एक बात बताओ, ऊपर से सन की रेडिएशंस पड़ रही, ठीक है, तो किसी बॉडी में पड़ के क्या क्या हो सकता है, क्या क्या केस बन सकता है, उस हीट का कर क्या रही है वो बॉडी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है हमारा क्या है सवाल, ये आपको समझ। तो ये मान लो बॉडी है, इसपे सन की एनर्जी पड़ रही, इंसिडेंट एनर्जी, सही बात है, इंसिडेंट एनर्जी। अब इंसिडेंट एनर्जी के साथ क्या क्या हो सकता है आपको समझना है। इंसिडेंट एनर्जी जो है एनर्जी से क्यों मान लिया, कोई दिक्कत? अब इंसिडेंट एनर्जी के साथ क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ, सारे आंसर तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ एनर्जी है रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ करती है हर एक बॉडी कुछ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो मान लो इसने रिफ्लेक्ट जो करा, रिफ्लेक्ट जो रेडिएशन करी वो मान लो करी क्यू, कितनी रेडिएशन क्यू, कोई परेशानी कोई दिक्कत? कुछ रेडिएशन ये क्या करेगा, कुछ रेडिएशन ये ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है एब्जॉर्ब, तो कुछ एनर्जी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, करता है हर एक बॉडी अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ना, तो मान लो एब्जॉर्ब जो एनर्जी करी वो क्यू करी, ठीक है, पहली रिफ्लेक्ट करी, दूसरी एब्जॉर्ब करी, और तीसरी रेडिएट करी या ट्रांसमिट करी जिसको हम बोलते हैं, क्या करी ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, ठीक है ना, ट्रांसमिट करी क्यू करी, कोई परेशानी इसमें कोई दिक्कत? तो एनर्जी तीन तरीके से खेलती है किसी बॉडी में, एक इंसिडेंट एनर्जी तीन तरीके से खेलेगी, एक रिफ्लेक्ट, एक एब्जॉर्ब और एक ट्रांसमिट, हाँ या ना कुछ समझ में आ गया, तीन तरीके से एनर्जी के साथ होता है। अब देखो अगर हमें रिफ्लेक्टेड पावर निकालनी है, रिफ्लेक्ट पावर निकालनी है, तो जो रिफ्लेक्ट हुई है क्यू वन उसको ओरिजिनल वाली से डिवाइड कर दो तो पावर आ जाएगी। अगर एब्जॉर्ब वाली निकालनी है एब्जॉर्प्टिव पावर, तो क्या लीजिए एब्जॉर्प्टिव पावर बोलो, ऐसा नहीं चाहिए, ऊपर कौन आना चाहिए एब्जॉर्प्टिव में, कौन आना चाहिए एब्जॉर्प्टिव में, यहां पे जैसे रिफ्लेक्ट वाले हमने Q1 लिया तो एब्जॉर्प्टिव में कौन से लेंगे Q2, और नीचे तो Q ही आएगा, और तीसरा ट्रांसमिट में क्या आना चाहिए ट्रांसमिट पावर में Q3, कोई दिक्कत इन चीजों में दिक्कत बताओ, ये लिख लो पूरी कहानी, दो चार डेफिनेशन सुन,
रिफ्लेक्टिव पावर को आर बोला, एब्जॉर्प्टिव पावर को ए बोला, ट्रांसमिट पावर को टी बोला। कोशिश करें एक बार देखते हैं। अच्छा एक बात, जो टोटल हीट होगी क्यू इंसिडेंट जो एनर्जी कराई वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो कितने पार्ट में सबको प्लस करके क्या आना चाहिए, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इन सबको जोड़ू आर प्लस ए प्लस टी, जोड़ सकते हो सिंपल, क्या क्या आएगा बोलो, आर वन आर कितना है बोलो, क्यू वन अपॉन क्यू टू, ए कितना है क्यू टू बाई क्यू, टी कितना है क्यू थ्री बाई क्यू, सब में नीचे कितना आएगा क्यू, ऊपर Q1, Q2, Q3। तो ये कितना गया? Q by Q1 से कितना गया? Clear? तो ये बोलता है R plus A plus T कितना बना? कैसा है समझा? Very easy। तो रटने वाला नहीं है तो concept है, easy है समझने वाला। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेरी, उसने एक ऐसी बॉडी बनाई जिसका नाम रखा फेरी ब्लैक बॉडी। क्या रखा? ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का काम सोचो, कोई काला कपड़ा पहन के मार्केट में बाहर निकले तो क्या होगा, गर्मी हो गई तो क्या होगा, उसके साथ सारी हीट एब्जॉर्ब कर जाएगा, मतलब। तो बेसिकली कहना यह चाह रहा है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है ठीक है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिट पावर है, सॉरी रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिट पावर, वो दोनों तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ कौन सी पावर रह जाएगी, सिर्फ एब्जॉर्प्टिव। और होगी कितनी, अभी हमने पढ़ा आर प्लस ए प्लस टी कितना है वन, अगर आर भी जीरो है टी भी जीरो है तो ए कितना हो जाएगा, तो कब क्लियर हुआ। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी एनर्जी, ऐसे बॉडी अगर ब्लैक बॉडी बन गई तो बेसिकली एब्जॉर्प्टिव पावर, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो सारी की सारी Q2 के पास चली जाएगी, तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी आएगी, Q2 अपॉन Q होता है ना फॉर्मूला, तो Q by Q कितना आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आया एब्जॉर्प्टिव पावर, क्लियर हुआ। ब्लैक बॉडी समझ में आई, क्या है बॉडी, ऐसी बॉडी जो सारी ट्रांसमिशन सारी रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ना कोई रिफ्लेक्शन ना कोई रेडिएशन, सॉरी ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल लिख के आ गया, राजी ये हो गया तुम्हारा ब्लैक बॉडी, ये पूछे जाता ब्लैक बॉडी स्कूल वाले टीचर बोलते हैं पढ़ लो सब। एक है स्टीफन्स लॉ, क्या है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ ठीक है, स्टीफन लॉ कहता है कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है ना ठीक है, किसी भी पर यूनिट एरिया में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर की, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के, कि ज्यादा टेंपरेचर दोगे तो एनर्जी भी ज्यादा ट्रांसमिट होगी। बस आपको इतना समझा है, टाइम टेंपरेचर की पावर कितना 4, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा तो कांस्टेंट लगेगा ठीक है, ये सिग्मा, ये सिग्मा होता है इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको स्टीफन्स कांस्टेंट ठीक है, इसकी वैल्यू भी लिखना 5.67 10 की पावर माइनस 2, डेफिनेशन लिखेंगे जो सेकंड इज वर्ड जस्ट कर सकते हैं।
एनर्जी इमिट होगी ना स्टीफन स्टोक डेफिनेशन में, बोलो लिखो अमाउंट डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ टोटल रेडिएंट पावर, अमाउंट ऑफ टोटल रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस, एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पावर, एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस जो इमिट होती है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, फोर्थ पावर थी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर of absolute temperature, fourth power of absolute temperature, बस ये लिख के आना स्टीफन लॉ अगर आ गया तो कोई दिक्कत इसमें जैसा दिख रहा है अगर फॉर्मूला याद है तो याद हो जाएगा कभी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना, बाकी ब्लैक बॉडी आपको समझा दिया पूरी कहानी आपको समझा दी ठीक है, एक लिखो वेन्स लॉ ये भी लिखे तो आएगा, लिखो वेन्स लॉ, वेन्स छोटे छोटे लॉ है एक एक दो दो लाइनों के बस, देखो वेन्स लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ वेवलेंथ, वेवलेंथ is inversely proportional, wavelength is inversely proportional to the inversely proportional to the temperature, inversely proportional to the temperature ठीक है, होता क्या है ये देखो, कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है उसमें लैम्डा जो होता है वेवलेंथ ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर के, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये इसका क्या है ठीक है, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो वेवलेंथ है ग्राफ देख लेने को करीब लाने ग्राफ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये रेडिएंट एनर्जी है यहां टेम्परेचर यहां वेवलेंथ लैम्डा, तो ग्राफ इस तरह से बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है कुछ नहीं, न्यूटन लॉ कूलिंग में क्या पढ़ा था हमने, रेट ऑफ हीट लॉस, जो हीट लॉस का रेट होगा वो किसके डायरेक्ट में होता है डिफरेंस इन टेंपरेचर के, तो ये dQ by dT मतलब होता है आगे जाके पढ़ोगे dQ मतलब हीट का लॉस है ना, T मतलब टेंपरेचर उसके साथ टाइम के साथ, तो dQ by dT ऐसे लिखेंगे, तो dQ by dT क्या है यहां पे लिख लेना, dQ by dT रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस, और यहां पे T और T नॉट T डैश क्या क्या है, T होगा शायद T होगा टेंपरेचर ऑफ बॉडी और टी डैश ओवर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये तो वहां ऐड कर देना सपोज, अब नहीं बचा इस चैप्टर में एक घंटे और 30 मिनट में हो जाए, थैंक यू आगे समझ में चैप्टर ये ही आएगा। इन अ बॉडी
इन अ बॉडी, ऐसे लिखना 300 ग्राम इन अ बॉडी में छोड़ दो, सीधा सवाल लिखो 300 ग्राम ऑफ लिक्विड, लिक्विड या वाटर कुछ भी आ सकता है, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फॉर वैल्यूज अलग अलग आ सकते हैं, मैंने सवाल समझाने के लिए तुम्हें समझा, ठीक है? ठीक है, तो 300 ग्राम पानी है 70 डिग्री सेल्सियस पे, 500 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? हमें दोनों को मिक्स करना है। फाइन, तो फाइन द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर, ये पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम का बीच का टेंपरेचर फाइन करना है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्मूला 70 20 90 90/45, वो कब लगेगा? जब इक्वल पानी होगा। क्या पानी इस बार इक्वल है? वो फॉर्मूला कब लगेगा? पानी क्या होगा? इक्वल। लेकिन पानी इक्वल है नहीं, हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, इसका सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनो। मान लो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो टी है, कोई दिक्कत? आराम से देखो, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, इस वाले को जो 70 वाला है ए केस, इसको हीट गेन करनी पड़ेगी या लॉस करनी पड़ेगी, ये बताओ। ए को 70 में हीट कम होगी ना इसके अंदर, तो हीट लॉस करेंगे, तो समझ में आया? अब देखो, हीट लॉस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, एमसी डेल्टा टी, हाँ या ना फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला, सी को सी रहने देना, या तो क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है। मास तो दिया है, कितना मास है इस वाले का? 300। कोई दिक्कत? सी हमें नहीं पता, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, 70 है और टी पे जाना है, तो 70 माइनस टी, हाँ या ना, यही तो चेंज होगा, ठीक है? या है हीट लॉस। बी के लिए, बी की टेम्परेचर कितना है? बी का 20, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बढ़ाने के लिए हीट गेन करेगा लॉस करेगा? हीट गेन। हीट गेन के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? एम सी डेल्टा टी। कितना मास है यहाँ पे? मास देखो यहाँ पे 500, स्पेसिफिक हमें पता नहीं, सी दे दो। टेम्परेचर कितना चेंज होगा फिर से यहाँ पे, इस बार 20 माइनस टी होगा कि टी माइनस 20 होगा? टी माइनस 20, रीजन ये है तो माइनस ही आएगा, कोई गैप है? दूसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर सोचो कितना आने वाला है, 70 और 20 के वैल्यू करते 30 है मान लो, तो 70 माइनस 30 करके 40 होगा, 30 माइनस 20 करना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव होगा ना, इसलिए टी माइनस 20 होगा। बड़े में से छोटे कोई तो माइनस करते हैं ना, समझ आया? एक और चीज ये भी पता होना चाहिए, जो टी होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, ये भी कहना चाह रहा, जो टी है 20 से ज्यादा होगा 70 से कम होगा, तो ये आपको समझना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर बताया था, हीट गेन बराबर किसके होता है? हीट लॉस के, ये बताया था आपको, प्रिंसिपल यही था। अब वैल्यूज रखो, हीट गेन कितना है जरा बताओ, कितने का हीट गेन है? फॉर्मूला रखो 500 सी टी माइनस 20, और वहां पे कितना है हीट लॉस? 300 सी 70 माइनस टी। अब सॉल्व करना है, चले सी से सी को कट गया, क्योंकि जो पानी ये है वही पानी ये है, वरना अगर दिया होगा तो दोनों का अलग अलग डी होगी वैसे, ठीक है? आगे 0 से 0, 0 से 0, सही है, 5 से अंदर मल्टीप्लाई है, 50 माइनस 25 से कितना होता है 100, 3 से मल्टीप्लाई है 73 का 210 माइनस 3 टी, टी वालों को एक तरफ लाओ, 50 प्लस का 3 टी 80 हो जाएगा, 210 प्लस 100 कितना होगा? यहाँ से टी निकालना आसान है, टी बराबर 310 अपॉन आर, कितना आएगा ये बताओ, निकाल लो 8 से 24, सही है, ये आ रहा था, मैंने क्वेश्चन सही लिखा था, डाउट हो 8 8 64 60, ऐसे होगा 8 7 56 40, 8 5 40, ये आ रहा था 38.75 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल आ सकता है, ठीक है? ये सवाल उससे अलग क्यों है? क्योंकि मास अलग अलग है, अगर मास सेम होता तो कुछ डायरेक्ट आ जाता, ठीक है? एक बार करके देखो ना, मास अगर बराबर लेके देखोगे, देखो क्या बीच का आ रहा है, देखना आराम से। चलो भी, बाय बाय।